कल के वीकेंड का वार पर एल्विश यादव और मिस्टर फैजू आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एल्विश यादव लव कटारिया को सपोर्ट करने आएंगे और मिस्टर फैजू अदनान को एल्विश यादव और मिस्टर फैजू की स्टेज पर एंट्री होती है और अनिल कपूर ने कहा कि क्या फ्रेम है। इसके बाद अनिल कपूर मिस्टर फैजू से पूछते हैं कि क्या अदनान गेम सही खेल रहा है, जिस पर मिस्टर फैजू कहते हैं वो मेरा दोस्त है और 100% बढ़िया खेल रहा है। तो एल्विश यादव कहते हैं सर ये झूठ बोल रहा है, जिस पर मिस्टर फैजू अनिल कपूर से एल्विश यादव के बारे में कहते हैं कि इनको खुद का 4 से 5 दिन लगे है और ये खुद की पर्सनैलिटी रजिस्टर करने के लिए, जिस पर एल्विश यादव कहते हैं ये समझ नहीं आता है वो 4-5 दिन कौन से थे भाई, मुझे तो घंटों लगे थे और बल्कि घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर एल्विश यादव अनिल कपूर से कहते कि सीजन कौन सा भी हो चर्चे तो राव साहब के हैं। बाकी बताया जा रहा है कि मिस्टर फैजू और एल्विश यादव के बीच में एक डिबेट भी हो गई है, जिसमें वो दोनों फनवे में एक दूसरे को सर रोस्ट करेंगे। बाकी एल्विश यादव अदनान से कहते हैं कि भाई कहाँ है मेरी चूड़िया, आई नहीं अभी तक। आपको याद होगा कि अदनान ने एल्विश यादव के लिए एक बार चूड़िया लेकर आए थे, तो उसी के लेकर यहाँ पर एक एल्विश यादव ने अदनान को ट्रोल कर दिया। बाकी एल्विश यादव साई केतन राव और अरमान मलिक को भी स्लेम करते हैं और साई केतन राव को इस बात पर, क्योंकि वो छोटे मोटे झगड़े पर फिजिकल हो जाते हैं जिस तरह से लव कटारिया के साथ हो गए थे। और एल्विश यादव अरमान मलिक से कहते हैं कि 13 दिन तो मेरे नाम से चलता ही नहीं है, बार बार मेरा नाम लेते फिरता है। बाकी मिस्टर फैजू और एल्विश यादव के साथ देखकर आपको क्या लगा, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में ज़रूर बताना। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फैजू और एल्विश यादव? और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना मिलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।